रावण की ये दो बातें ठीक से याद कर लो, कभी धोखा नहीं खाओगे। जय श्री राम दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है। ये वीडियो आपको बहुत बड़ी सीख देके जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि रावण की ये दो बातें यदि आपने अपने जीवन में उतार ली और ठीक तरह से याद कर ली तो कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाओगे। आइए मित्रों, अब बताते हैं वो रावण की दो बातें कौन सी हैं, जिन बातों को याद करने के बाद में, जीवन में उतारने के बाद में इंसान कभी धोखा नहीं खाएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए अब अधिक विलंब न करते हुए रावण की वो दो बातों पर ध्यान देते हैं। मित्रों, बात उस समय की है कि जिस समय रावण लंका का राजा था और भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे। रावण और राम में जब युद्ध हुआ था, भयानक युद्ध हुआ था। राम के बाणों से रावण जब अधीर होकर के जमीन पर गिर गया, परिणाम यह हुआ कि रावण अंतिम श्वासें जीवन की भरने लगा, केवल मरने के कागार पर था। रावण जमीन पर पड़ा हुआ था तो भगवान श्री राम ने रावण की ओर देखा, क्योंकि रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था। यह विचार करने के बाद में राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, यह रावण बहुत बड़ा विद्वान था, जिस रावण के लिए 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ याद थे। लक्ष्मण, ये तो इस दुनिया से जा रहा है, जाते जाते इससे कुछ ले लो। भगवान श्री राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जो थे रावण के पास में गए और रावण के सिर के पीछे खड़े हो गए। रावण बोला ही नहीं। बहुत देर तक लक्ष्मण रावण के सिर के पीछे खड़े रहे, लेकिन रावण जब बोला नहीं तो लक्ष्मण पुनः राम के पास में लौट आए और कहने लगे, भैया वो तो बोला ही नहीं। भगवान श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण तुम कहां खड़े थे? जवाब दिया, भैया हम रावण के सिर के पीछे खड़े थे। तब भगवान श्री राम हंसे और कहने लगे, लक्ष्मण पागल हो तुम नहीं जानते हो कि ये रावण ब्राह्मण है और ये प्रकांड विद्वान था। अगर किसी से कुछ लिया जाता है तो छोटा बनकर के लिया जाता है, बल्कि बाप बनकर के नहीं लिया जाता। आखिर को तुमसे बड़ा है और ये ब्राह्मण है, तुम इसके पैरों के पास में जाओ और तब इससे कुछ मांगो, तब ये तुम्हारे लिए जरूर देगा। दोस्तों, वही हुआ। राम के कहने के मुताबिक शेषावतारी लक्ष्मण रावण के पैरों के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, रावण भैया तुम तो इस दुनिया से जा रहे हो, जाते जाते हमें भी कुछ दे जाओ। लक्ष्मण के शब्दों को सुनकर के रावण कहने लगा, लक्ष्मण अब हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही है जो हम तुम्हें राजनीत शास्त्र का वर्णन सुनाएं, राजनीत शास्त्र के बारे में बताएं। मगर हाँ लक्ष्मण, जब तुम हमसे कुछ मांगने के लिए आए हो तो दो बातें हम तुम्हें जरूर दे करके जाएंगे। दोस्तों, रावण कहने लगा, सुनो लक्ष्मण, दो बातें इस प्रकार हैं, दो बातें केवल कहनी हैं, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदयुग टलना अच्छा। रावण बोला, है लक्ष्मण मेरी ये दो बातें इस प्रकार हैं कि अच्छा काम है जीवन में, शुभ काम है तो उसे तुरंत कर डालो, उसके लिए देर बिल्कुल मत करो, और दूसरी बात यह है कि जीवन में अगर गलत काम है, दुष्ट काम है, काम वो अच्छा नहीं है, करने के लायक नहीं है, तो उसे टालते रहो, जहां तक बने तहां तक उसको टालते रहो, और अच्छा काम है उसे तुरंत कर डालो, बिना सोचे समझे कर डालो। यही हमारी दो बातें हैं लक्ष्मण। मैंने भी सोचा था कि लंका तक क्षीर सिंधु ले आऊंगा, और यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, लेकिन आज कल करते करते वर्षें गुजर गई और हमने बुरा कदम पहले उठा लिया, जो सीता का हरण कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम दुनिया से आज जा रहे हैं। हमने अच्छा कर्म पहले नहीं किया, बुरा कर्म पहले किया, जो हम इस दुनिया से आज जा रहे हैं, यही दिल में हमारे हमेशा पश्चाताप रहेगा कि हमने अच्छा कर्म नहीं किया, गलत कर्म किया।
तो लक्ष्मण जाते जाते यही दो बातें अपनी गांठ में बांध लेना, तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। अच्छा काम उसे तुरंत कर डालना, और अगर गलत काम है तो उसे हमेशा टालते रहना। यही रावण ने दो बातें लक्ष्मण के लिए बताई थी, और यही बातें हर इंसान के लिए ये सुझाव देती हैं कि अच्छा काम तुरंत करते रहो और बुरा काम है उसे हमेशा टालते रहो। तो मित्रों कैसी लगी ये रावण की ज्ञानवर्धक दो बातें? अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।